बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अजहर इकबाल चद्दड़ है। मैं रियल स्टेट और प्रॉपर्टीज़ के हवाले से अपडेट आप तक पहुंचाता रहता हूं। अगर आप रियल स्टेट और प्रॉपर्टीज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे इस वीडियो के साथ रहें। जी तो मज़ेदार नाजरीन, आज एक नए व्लॉग और नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 5 मरला डबल स्टोरी घर की वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, जो कि गुलिस्तान कॉलोनी में मौजूद है। पार्क फेसिंग का ये मकान बनता है, बहुत ही खूबसूरत मकान मौजूद है। गैस और बिजली, वाटर सप्लाई वगैरह सारी सहूलियत यहाँ पर मौजूद है। गुलिस्तान कॉलोनी फैसलाबाद का बड़ा मशहूर तरीन एरिया है और यहाँ पे घर वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे बने हुए। सिक्योरिटी यहाँ पे मौजूद है, बड़ा पॉपुलर एरिया ये फैसलाबाद का शुमार किया जाता है। वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। वीडियो के मुतालिक तमाम अपडेट वीडियो में ही बता दी जाएगी। गैराज में इंटर हो चुके हैं, बड़ी गाड़ी यहाँ पर ईजिली खड़ी हो जाएगी। नीचे मार्बल वगैरह लगाया गया, दीवारों पे पैलिंग वगैरह, रंग पेंट का काम। मकान यूज्ड है लेकिन बहुत अच्छी हालत में और साफ सुथरा घर आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन वगैरह आप तक पहुँचता रहे। ड्राइंग रूम में इंटर हो चुके हैं, ऊपर सीलिंग डिज़ाइनिंग की गई है, दीवारों पे वॉलपेपर वगैरह लगाया गया है। बड़ी खूबसूरत तैयारी माशाल्लाह इसकी की गई है। नीचे टाइल वर्क का काम ड्राइंग रूम में किया गया है। टीवी लॉन में इंटर हो चुके हैं, यहाँ पे भी आपको नीचे टाइल वर्क का काम मिल जाएगा। दीवारों हाफ हाफ दीवारों पे पैलिंग की गई है, एक दीवार पे वॉलपेपर लगाया गया है, बाकी रंग पेंट का काम किया गया है। मेरी कोशिश होती है कि वीडियोस के हवाले से तमाम तर अपडेट वीडियो में ही बताई जाए। अगर फिर भी कोई बात मुझसे बताने में मिस हो जाती है तो हमारे नंबर पे रब्ता करके मजीद डिटेल भी ले सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हो तो आप भी हमारे नंबर पर रब्ता करके मजीद डिटेल ले सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मर्जी में जो भी ड्यूटी लगाएंगे ईमानदारी के साथ उस पर वर्किंग की जाएगी। बेडरूम में इंटर हो चुके हैं, सामने आपको एक कवर्ड अलमारी वगैरह मिल जाएगी। नीचे टाइल वर्क का काम किया गया, दरवाजे बड़ी अच्छी हालत के साफ सुथरा घर है। अटैच आपको एक बाथरूम वगैरह की सेटिंग मिल जाएगी, यहाँ पे सीट वगैरह इंस्टॉल है। टाइल वर्क का काम किया गया और इस बेडरूम के साथ एक स्टोर रूम भी बनाया गया है। ये पीछे बैक की तरफ ये रास्ता जा रहा है। तो किचन में इंटर हो चुके हैं, किचन के कैबिनेट वगैरह कंप्लीट है, साफ सुथरा आपको किचन मिल जाएगा। नीचे टाइल वर्क का काम किया गया है। मेरे चैनल पर और भी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, हर तरह की मैं प्रॉपर्टीज की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, वो भी साथ साथ आप विजिट कर सकते हैं। अगर कोई बात को आपके जहन में कोई सवाल आता है, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तब भी मेरे नंबर पर रब्ता करके मजीद डिटेल ले सकते हैं। बैक साइड पे आपको उससे मिल जाएगा, लॉन्ड्री एरिया भी बनाया गया और एक बाथरूम की सेटिंग वगैरह मिल जाएगी। सामने आपको ये मीठे पानी के वाटर सप्लाई वगैरह भी यहाँ पे आता है और लाल पंप वगैरह भी, दोनों पानी यहाँ पे मौजूद है, ज़मीनी पानी और वाटर सप्लाई वगैरह भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे कमोड वगैरह इंस्टॉल है, टाइल वर्क का काम किया गया, कमोड और सीट दोनों इंस्टॉल है। दो बाथरूम यानी कि आपको मिल जाएंगे, एक बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, टीवी लॉन, किचन, गैराज, ये ग्राउंड फ्लोर में बनाया गया है। बैक साइड से ही इसकी सीढ़ियाँ दी गई हैं, ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। दीवारों पर भी ये टाइल वर्क का काम किया गया है, सीढ़ियों पर भी मार्बल वगैरह लगाया गया है। बाकी आपको सहन मिल जाएगा। ऊपर वाले फ्लोर की अगर बात की जाए तो आपको तीन बड़े बेडरूम मिल जाएंगे। लोकेशन की अगर बात की जाए तो लोकेशन इसकी गुलिस्तान कॉलोनी ए ब्लॉक फैसलाबाद की बनती है। गुलिस्तान कॉलोनी नंबर 2 ए ब्लॉक फैसलाबाद की इसकी लोकेशन बनती है। ए ब्लॉक जो है गुलिस्तान कॉलोनी का, सारी गुलिस्तान कॉलोनी में इस ब्लॉक को अच्छा ब्लॉक शुमार किया जाता है। तो बेडरूम में इंटर हो चुके हैं, देख सकते हैं आपको अटैच बाथरूम वगैरह मिल जाएगा। बाथरूम में भी सीट और कमोड वगैरह दोनों स्टाइल है, साफ सुथरा बाथरूम आपको मिल जाएगा। दीवारों पर टाइल वर्क का काम किया गया है, एक कवर्ड अलमारी वगैरह भी फुल साइज की एक दीवार पे बनाई गई, ऊपर सीलिंग डिजाइनिंग, गैस और बिजली जैसी सहूलियत यहाँ पे मौजूद है। गुलिस्तान कॉलोनी नंबर 2 ए ब्लॉक जो है बिल्कुल मिल्लत चौक के ऊपर ही बनता है। नवाब रेस्टोरेंट आपने देखा होगा या सुना होगा, उसकी बैक साइड वाला जो ब्लॉक है वो बनता है। टीवी लॉन में इंटर हो चुके हैं, यहाँ पे भी टाइल वर्क का काम किया गया, हाफ दीवारों पर पैलिंग वगैरह की गई है। हवादार मकान है, बड़ा खशादा मकान है और साफ सुथरा और मजबूत घर आपको मिल जाएगा। तो बेडरूम में इंटर हो चुके हैं, नीचे टाइल वर्क का काम किया गया है।
इसके साथ आपको अटैच बाथरूम वगैरह भी मिल जाएगा। अलैड हॉस्पिटल फैसलाबाद का जो वो बिल्कुल करीब बनता है, अजीज़ फातिमा हॉस्पिटल जो फैसलाबाद का वो करीब तरीन बनता है। बाथरूम आप देख सकते हैं इसके साथ अटैच मिल जाएगा आपको। टाइल वर्क का काम किया गया, सीट वगैरह इंस्टॉल है, ऊपर सीलिंग वगैरह लगी हुई है। यूनिवर्सिटी जो जीसी बनती है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लारी अड्डा, जीटीएस अड्डा, ये सारे इसके करीब तरीन बनते हैं। ये अंदरूनी शहर में इसकी लोकेशन होने की वजह से ये एरिया बहुत पॉपुलर और बहुत अच्छा है। दूसरा बेडरूम भी आप देख सकते हैं, यानी कि ऊपर आपको तीन बेडरूम टीवी लाउंज के अलावा तीन बेडरूम मिल जाएंगे आपको। ये तीसरे बेडरूम में इंटर हो चुके हैं। यहाँ पे भी कवर्ड अलमारी एक दीवार पे फुल साइज की बनाई गई है। पार्क फेसिंग का ये मकान बनता है, बड़ा साफ सुथरा है। ये भी मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ, ये मकान फार सेल नहीं है, फार रेंट के लिए है। रेंट की डिमांड इसकी 75,000 यानी कि 75,000 रुपये इसकी डिमांड की जा रही है। सामने आप पार्क देख सकते हैं, बड़ी अच्छी लोकेशन पे ये मकान मौजूद है। पार्क का व्यू बड़ा अच्छा माहौल और साफ सुथरा माहौल इस ब्लॉक का, ए ब्लॉक का बनता है। गुलिस्तान कॉलोनी ए ब्लॉक का जब बड़ा मशहूर ब्लॉक और साफ सुथरा ब्लॉक इसी को शुमार किया जाता है। लोकेशन इसकी बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो ऊपर छत पे भी जा रहे हैं, यहाँ पे भी सीढ़ियों पे मार्बल वगैरह लगा आपको मिल जाएगा, ग्रिल वगैरह लगी हुई है। सामने आपको एक स्टोर रूम के तौर पे कमरा मिल जाएगा, ये इसमें टीयर गटर है। दोबारा बता देता हूँ, ये फार सेल नहीं है, फार रेंट के लिए है। रेंट की डिमांड 75,000 रुपये है महाना की।